भाई आप देख सकते हो आज हमारे साथ कौन है। सुबह सुबह ही, सुबह सुबह नहीं है, 12 बज गए, 1:30 बजा। अरे 1:30 बज गया। वो एक चीज तो बोलना भूल गया मैं। क्या? वही जो हम बोलते हैं ओ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ आ गए हैं सुबह सुबह ही 1 बजे। मेरे को तंग कर दिया इन्हें, बड़े फोन किए यार, मेरे को कहते जैसे मिलना है मिलना है। तो चक्कर वर्ल्ड वार लगी है, तो यही चक्कर है। तो अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो थोड़ा काम है हमें, मीटिंग थी थोड़ी थोड़ी, सो यूट्यूबर्स वगैरह मिल रहे हैं आज हमें। फर्स्ट यूट्यूबर हमारे यहाँ बैठे हैं हमारे सामने विशाल सिंह जी, तो पूरी पर्सनैलिटी में। तो बेल्ट वगैरह ये ज़रूरी डालते हैं, इनको कहते हैं मेरी सेफ्टी फर्स्ट। क्या बोल, पता नहीं तेरा क्या बोले, तो वो मैं तो एयरबैग चेक कर रहा था। हाँ वो तो मैं चेक करते रहता हूँ, खुले नहीं खुले वो तो मेरा है, मेरी वाली साइड लिखा नहीं है कहीं पे एयरबैग नहीं है, वो लिखा लिखा वो देखो ऊपर ऊपर से बाहर आएगा। आपको सेफ्टी आपकी नहीं है, ये गाड़ी सेफ्टी के लिए पहुंचे भी ना यहाँ तक। चलो गाइस आपको फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में, थोड़ा सा कुछ कर लें हम। तो गाइस अभी ना मुनावी ने क्या किया, पीछे ना लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक वाइन शॉप था, तो धीरे धीरे से लेके आया गाड़ी, इसने बिल्कुल वाइन शॉप के सामने लगा दी गाड़ी। मैं मतलब मेरे दिमाग में दो चीजें आई, मैंने कहा चल मतलब एक मिनट के लिए आदमी मान लेता है कि ठीक है एनर्जी ड्रिंक, पर सुबह सुबह मतलब इतनी शिद्दत से आया और उस तरफ देखे, मैंने कहा यार मैंने इसे बुलाया किसी काम से और मतलब मिलते ही एक मिनट के अंदर अंदर सीधा उसके सामने, मतलब ना भी आज कोई शराबी है, शराबी की बात नहीं था, मेरे को उसके साथ कोई काम था। तो मेरे को नहीं ना जिस हिसाब से तुमने रोका, जिस हिसाब से ठेके वाले को देख रहा था, मैंने सोचा पता नहीं मैं यार आपको पता है वो मेरा 4 बजे के बाद टाइम शुरू होता है वो मैं अर्ली मॉर्निंग में होता है, सिग्नल तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं छपरियों के अड्डे में, जैसा आप देख सकते हो मनावी यही उनकी वो गुफा है, नहीं ये गुफा है जो इसी गुफा में स्वर्ग निकालती है, यही उनको स्वर्ग निकालती है। ये देखो थल्ले आ जा। तो गाइस टाइम आ चुका है विशाल सिंह जी को बाय करने का। हाँ जी क्या बोलते हैं इसे, इसकी ये आप वो करो ना सीट कौन सी करो, क्लच है भारी या फिर अटक रहा है, भारी है भारी, भारी सारे कह रहे हैं। अभी इसको ढीला कैसे करना है, ढीला कैसे करना है, करवा जाके ढीला कैसे करना है, हो जाएगा कंप्लीट। हाँ आगे से जान दो ना, रिवर्स क्यों डाल दो, हाँ आगे जाएगा। तो गाइस ये देखो ये हालत है, आप विशाल सिंह जी को सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे को करो 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 भाई मेरे को करो यार, मना होए को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो, इधर जान दो नहीं सॉरी मेरे को ना क्या हो गया, जैसे तेरा मेरे को आदत है ना मनावा बोलने की, वैसे मेरे को आदत है, हमारा एक दोस्त था उसको मायन है, वो उसको मायन बोलने की कि मायन ये उसके घर गया मैं, वैसे ही मेरे को वही सीन याद आ गया, उसके घर गया तो उसके पापा आगे बैठे थे, तो मैंने बोला मैंने कहा अंकल जी हम मायन को समझाते रहते हैं कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, वो बोलता रहा एकदम उसका बड़ा भाई हंसे, मेरे को समझ नहीं आया क्यों हंस रहा, बोलता नहीं नहीं बोल बोल तो बाद में बताता देखो, फिर वो खुद याद आया, बोलता नहीं हम वही देख रहे हैं, तो माइंड माइंड बोलता तब से फिर वही बोलने बोलता मैं मनावे, फिर मैं चुप हो गया, मैं कैसे घर पे, हाँ तो उसमें मेरे घर पे कोई नहीं आकर होता, फिर मैं याद आया मैंने कहा इसका नाम तो रुद्राक्ष है ये जिप्सी बोल रहा है। तो क्या बोलना चाहता है, छात्राओं के लिए भाइयों बहनों के लिए खुशखबरी, खबर निकल कर आई लॉकडाउन के। तो कहीं मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाया, तो अभी मैं स्कूटी पे हूँ, तो मेरी बात वगैरह भी आपको कम ही आ रही होगी, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम है, कोई डॉक्यूमेंट किसी को पकड़वाने हैं, तो लेने भी है तो देने भी हैं कुछ, तो बस अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आज सुबह से यार थोड़ा सा ऐसे ही रहा, थोड़ा मैं मतलब कि उठा भी थोड़ा लेट था, तो वो आए हुए थे अपने विशाल सिंह जी आए हुए थे मेरे पास, तो थोड़ी देर घर बैठे हैं बातें करते कि हमने थोड़ा डिस्कस किया यूट्यूब के बारे में, तो बस अब अभी निकला था मैं थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी अपडेट हो जाए, तो बस अभी निकला हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट देना है, फिर जाते हैं फिर घर पर देखते हैं, कोई भूख भी लगी है कहीं पर लगा कहीं कोशिश टाइम बचा, तो मैं कुछ खा भी नहीं पड़ा था, तो फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हो शायद हम साहिल भैया कर रहे हैं, तो साहिल भैया की शादी की सारी अरेंजमेंट चल रही है, जैसी भी हमारे साथ हैं। Hi guys, how are you? This is your boy Jaji Singh with one of the best blogger in Jammu. Rudraksh Nama. Please do subscribe him. He's the best. He's the best blogger. So तो गाइस हम आ गए साहिल भैया घर से, पार्टी वगैरह आपको पता है कि डेली पार्टी वगैरह चल रही है, तो अभी कॉल आई थी यार मैं घर के बाहर ही बैठा हुआ था बात कर रहा था भाई से। दोस्तों भाई आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि वीडियो आज कुछ बनी नहीं है,
सही बताऊँ तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल कंटेंट ढूंढते हैं कोई।